सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हम फ्रांस आए हैं बेस्टिल डे परेड के लिए, जो उन्होंने हमें इनवाइट किया है। उस वो चीज़ एक ऑनरेबल और एक मेमोरी रहेगी कि हमने यहाँ पे आकर परेड किया है। ऑल्सो प्लेइंग कदम बढ़ाए जा एंड सारे जहाँ से अच्छा एंड शाम बहादुर वाइल वी आर इन मार्चिंग। पंजाब रेजिमेंट का तो इतिहास रहा है फ्रांस के साथ, क्या कहेंगे, कितना गर्व का अनुभव करते हैं जब यहाँ पर आ रहे हैं, और खास तौर पर जो तैयारियां मैं देख रही हूँ काफी घंटों से चल रही हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, हमारी पंजाब रेजिमेंट के लिए, पूरी इंडियन आर्मी के लिए, और सबसे बड़ी बात पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो हमें ये मौका मिला है। और रही बात हमारे इस जोश की, ड्रिल की, तो वो एक पंजाब रेजिमेंट का एक उनके साथ ही चला रहा है कि ड्रिल के लिए मानी जाती है, जो पंजाब रेजिमेंट ड्रिल के लिए बहुत मानी जाती है, जिससे आप देख सकते हैं 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें हम विनिंग कैंडिडेट थे, जिससे हमें ये मौका मिला है। और जो इतिहास 107 साल बाद हमें इस पंजाब रेजिमेंट को दोबारा इस अवसर पे, इस मार्ग पे चलने का मौका मिला है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें बहुत गर्व हो रहा है हमारे रेजिमेंट पे, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट में और वर्ल्ड वार सेकंड में भी यहाँ हिस्सा लिया था लड़ाई में, और अब दोबारा आए बेस्टिल डे परेड करने के लिए। हमें बहुत अपने रेजिमेंट पर गर्व है और इंडियन आर्मी पर गर्व है हमें। आप बताइए, अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, कई जॉइंट एक्सरसाइजेस भी साथ में होते हैं, यहाँ पर भी जो फ्रेंच आर्मी या जो फ्रेंच फोर्सेज है उनके साथ परेड में प्रैक्टिस करके कैसा लग रहा है? बेसिकली हम लोग लास्ट 2 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे परेड के लिए, और हमने 2 बार रिपब्लिक डे परेड भी कर रखी है, तो उसकी वजह से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जो फ्रेंच कंटीजेंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट, वो इंडियन नेवी से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, आके हमारे यूनिफॉर्म्स के बारे में पूछते हैं, हमारे परेड के बारे में पूछते हैं, सो हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी वो हमारे पास आते हैं। और जो परेड की प्रैक्टिस चल रही है वो तो हमारी एकदम हाई लेवल पे है, और हमें इंडियन नेवी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने में बहुत मज़ा आ रहा है। उन्होंने आके हमसे भी बात किया है कि आप लोग जो करते हैं वो बहुत पावर परेड है, हमारी परेड देख कर की बहुत आवाज़ आती है, स्टॉम्पिंग आती है, ब्यूटी लगती है। आते ही उन्होंने बोला कि आपका यूनिफॉर्म बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये सब सुन के अच्छा लगता है मैम।